बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं मुकद्दस नूर। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अमरीका पहुंच गए। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा के इस्तक़बालिया में शरीक होंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ कल अमरीकी सदर के इशाइये में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 सितम्बर को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, चोरों को हुक्मरान नहीं मानेंगे, तहरीक के लिए निकलने वाले हैं, डराने से बैठ नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। मुल्क में इतना बड़ा अजाब आया है, शहबाज शरीफ कौन सा मार्का मारने अक़वामे मुत्तहिदा चला गया। मुल्क में डेंगू का फैलाव तेज, इस्लामाबाद में डेंगू का एक और मरीज दम तोड़ गया, अमवात 5 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 166 डेंगू केसेज रिपोर्ट, मुतासरीन 4704 हो गए। पंजाब में 24 घंटों में 152 अफराद में डेंगू की तशखीस, कराची में एक रोज में 386 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई। बारिशों और सैलाब से तबाही, 24 घंटे में 15 अफराद जाम हक। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजमूई अमवात की तादाद 1559 तक जा पहुँची। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 12,850 अफराद जख्मी हो चुके। मुल्क भर में मजीद 21,000 घरों और 13,813 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। अब तक 11,70,936 घरों को जुज़्वी नुकसान, 7,87,918 घर मुकम्मल तबाह हो चुके। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।